बहुत देर हो रही, कर लेना आप। क्या है सिमरन? एक घंटे कह रहा था, सुननी नहीं, बार बार सुन फोन छोड़ कर ऐसी चीज हो गई, पता नहीं इन्होंने क्या उसको सदमा बना दिया। बस 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 हो गया, ठीक है। किचन के अंदर, अब किचन में तो मैंने ये मूंग की दाल थी हमारी हरी, तो हमने धोकर ना उसको रात बनाई थी तो बच गई थी, फिर मैं उससे पकौड़े बना दिए। काय का नाश्ता बना रही तुम आज? ये मूंग की दाल बच गई थी रात हमारी। अच्छा, हलवा बनाई थी तो वो बच गई है, मैंने अभी इसको पीस लिया है। हाँ, तो उसके पकौड़े बनाने जाते हैं। पकौड़े बनाओ क्रंची क्रंची से, मजा आ जाएगा खाने। ठीक है, क्या हुआ? तेल तो है ही नहीं तो सरसों बना लो। तेल भूलना, सरसों मैं बनाऊ, मैं रिफाइंड भूला ही नहीं बनानी दुकान पे। जाओ फिर लेकर आओ, मैं लेकर आऊ, जल्दी आना। और वो भी आना टमाटर केचप। अच्छा, क्या कर रही है? चॉकलेट शेक का वो बना लें, चॉकलेट शेक बना ले से बोले। बहुत देर हो रही, कर लेना आप। किसका? हेलो मिक्की, अरे हेलो मिक्की, तो लगाती रहेगी अभी ये। ले फरजान भी आ गया, सोना बाबू मेरा, जिम से आ गया, अर्शी भाई से लगी हुई है। अभी पागल हो जाएगी ये। रोटी बना दे मेरा। यानो आप स्कूल नहीं गए आज? हैं? मासी की याद नहीं आती तुझे? अम्मी कहाँ गई हैं? रिफाइंड खत्म हो गया, वो लेने गई हैं अम्मी। है? रिफाइंड खत्म हो गया, वो लेने गई हैं। दीदी ने मारा, दीदी ने, हैं? दीदी ने, पिटाई करूंगी दीदी की। सिमरन, बना देना मेरा। हाँ, अम्मी क्या? मैं बनाऊँ? चलो, चोले पाड़ा, मेरा चोले पाड़ा, कितना पाड़ा? सुन ले सिमरन क्या कह रहा है वो? कितना पाड़ा बच्चा तुम्हें ये तो पे? भाई मैं भी कह रही, सुननी नहीं रही है। तो बना दे यार, मैं सगाओ आया है, पाना सवाल भी है क्या? मिक्कू बना दे, कितने मिनट का तू? सोनम पड़े, दो मिनट बात करेगा फिर बना दूंगी, समझ कर ले जरा। सिमर तो जाना है, चल ऐसे कर, ये ड्रामा है, ऐसे कैसी है। हाँ मिक्की, मिक्की मामा परेशान कर रहा है, मामा दिमाग खराब करता है ये, बात नहीं करने तेरा। अरे चल मैं बना दूं, परेशान करता रहता है बार 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 बार। सिमरन सुन ले, सुन ले, करेगी मामा से बात? करेगी है? करेगा बात? करेगा? मामा का मूड ज्यादा खराब है, मिक्की रहने दे, तू उससे कर ले। चोलन पाड़े मिक्की, नाश्ता करा आपने? हैं? बना लिया नाश्ता? करा तोड़ दो तो फोन को, नाश्ता करा आपने? मिक्की, क्या है? सिमरन पापा, पापा इसका फोन फेंक दिया, फरजान ने फोन फेंक दिया नीचे। किसने? फरजान ने, इसने फोन फोन तोड़ दिया। ओ फोन तोड़ दिया इन्हें।
मैं देख रही हूँ फोन पड़ा तो था मेरे पास छोटा था। कौन सा फोन आ गया? अब मैं आईफोन लूंगी फिर देखा तू लोग अच्छी अच्छी और क्या इतना मेरा फोन पड़ा मैं आईफोन लूंगी अब मम्मी दिखाना कहाँ है ओ आईफोन ओ सिमरन आईफोन सिमरन आईफोन पापा आईफोन दे रही हूँ उसे आईफोन बात तो करनी तुझे या नहीं माही से किसी से भी बात कर लियो आईफोन आईफोन से तो भी रख लो इसे आईने में बता पहले ये आईफोन तो कब लाते हैं आईफोन छोड़ सही हो जाए सही हो जाए अब चलो पापा आईफोन दिलाओगे इसे सिमरन चुप हो जा तेरा दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा मेरे मुंह में कैमरा लेके घूम जा रही है बार-बार ये जैसे कैमरा मत लगा मुंह पे चुप तो हो जा अब आज पूरा दिन रोएगी मुझे लग रहा बेहोश ना हो जा रही रोएगी तो मुझे चुप टूट गया उसका फोन तो बढ़िया फोन था सिमरन चुप हो जा चुप हो जा पापा चले गए काम पे पापा चले गए जाए नहीं हो तो तुम्हारा धमाजी हो रही है पापा तुमको नाश्ता खाना नहीं मिला कुछ नहीं मिला जाए नहीं हो तो बनाने को दो घंटे से यहीं बैठी रहेगी क्या पता नहीं पागल हो गई है आज फिर रो रही है सिमरन जी पागल नहीं होते हैं अरे उठ जा इसे बिरयानी देते मुस्कान सोनू को खा लेगी और मेरी खा ली तू भी ले सिमरन 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 आवाज आ रही है मेरी थोड़ी सी खा ले चल अरे खा ले अरे खा लेना अब बताओ जरा इसकी हालत चल थोड़ी सी खा ले उठ चल उठ तो गाड़ी से ले जा अरे उठ जा कितना मत रहो मैंने फिर आंसू निकाल ले तेरे कितने आंसू निकाल लिए अरे उठ जा मेरा देखिए कैसे रो रही है अल्लाह तो बा चुप हो जा पागल हो गई क्या तू है दिमाग मत खराब कर चुप हो जा क्योंकि रात को तुझे कह दिया उन्हें कह रहा तू चल चुप हो चुप हो जा चुप हो जा दिलाऊंगी मुझे फोन पे तू बड़े दिलाऊंगी प्लान सुन तब लाइट चली गई ठीक है कोई बात नहीं दिला दूंगी मैं चुप हो जा मैं बना दे पकौड़े बना रही हूँ मैं तो चुप हो जा जब तेरे पापा भी चले गए बिना नाश्ते के बिना भूखे टेंशन में समझ गई तेरे फोन के चक्कर में उन्हें टेंशन होगा तेरा फोन टूट गया उन कभी ने तोड़ दिया है चल चुप हो बिल्कुल मोहर्रम ना होता तो मैं दिला देती तुझे आज ही मोहर्रम खत्म हो जाए तो दिलाऊंगी नई चीज खरीदते नहीं है ठीक है बेटा चल चुप हो जा मैं पकौड़े बना देते मेरे हाथ सन रहे हैं चुप हो जाता रहते तू मेरा फोन चला लियो मेरा फोन चला ली तू मेरा वाला ले लियो बस मैं 24 घंटे चलाऊं तो चला लियो मुझे बरामदे खाना कराओ तो यानी माई से बात कराओ सिमरन सिमरन एक बार इसकी शक्ल देखे लास्ट बार इसकी रूह को सुकून मिल जाएगा और तेरी भी रूह को सुकून मिल जाएगा एक बार अपना पूरा लास्ट बार मुंह देख ले अपने फोन का तो मजाक मत बना अरे सुकून मिल जाएगा इसकी रूह को चल एक बार और देख ले सही से
चलो तो मैं इसे भेज रही हूँ दफनाने के लिए, अम्मी दफन करने के लिए भेज रही हूँ उसे। क्या कर रही है तू ये? फोन है सिमरन का इसके अंदर, लास्ट बार तुम भी देख लो एक बार। तू पागल है, तू ड्रामा कर रही है, मेरे दिमाग खराब है उसका, पागल सी। कहाँ है ये सोनू? उठ जा खाना खाने चल। नहीं खा रही। अरे उठ जा, अब जो होगे सो। रो रो के फिर नदी भरेगी पागल सी। आ जा के फोन दिला देंगे, मोरो निकल लेते। आ जा उठ जा, कितना रो रही है। खराब है बस मेरा तो सच में, ना खा रही ना पी रही, अंदर पड़ी है जब से, नहीं पता क्या करूं। कुछ ज्यादा पागल हो रही है, सुबह से रोज जा रही है। दिमाग खराब हो रहा है, बाद जाकर फोन इतने क्या हुआ? अरे के चक्कर में मेरा सबसे बड़ा दिमाग खराब है। फोन हो गया था, बवाल हो गया मेरा, मेरे तो पता बिजली दिमाग खराब कर गई। क्या हो गया इसे? कर रही हूँ रुको। चलो लम्बी बात करो, पापा का फोन मिला। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ, सिमरन की तबीयत खराब हो रही है। चलो ठीक है, पानी पिएगी? जल्द सो जा थोड़ी देर के लिए, पापा आएंगे तो। मौसम भी बड़ा खराब हो रहा है आज। आ गए पापा। पापा इसकी बहुत तबीयत खराब हो रही है सिमरन की। आ गया? आ गए। अरे इसकी खराब हो रही है। क्या हो गई? चक्कर सारे अब नोटिस ही हुई थी इसी भी गर्मी से। जैसे वो फोन में चक्कर में ड्रामा कुछ ना खाए ना पी रही है। ये काम हुआ बड़ा सारा। पापा लो। फोन ऐसी चीज हो गई, पता नहीं इन्होंने क्या उसको सदमा बना दिया। खराब है जब से करी तो खाना पीना सब। डाउन हुआ बड़ा सारा। बिल्कुल ही पागल हो रही है। ऐसे करके लेटा लेते ग्लूकोज लगा दो, मैं संभाल लिया। तो ले आओ जाके तुम इतने, ठीक है और समय लेटे थे। चल मुस्कान, हाँ ऊपर चले जाते कपड़े पड़े हैं, वो तुम उसको उतारे जा। ठीक है। हाँ पापा, किस चीज का? अच्छा पापा, मैं सारा सामान इस पे रख के लिया तुम्हारा। कहाँ गए पापा? पापा सारा सामान लिया ही मैं इसमें रख के। अरे टेप स्प्लिट ले लाया तू, पूरा ऑपरेशन करना है क्या? सारा सामान उठा ले तू इसके अंदर। अब जो जरूरत का काम कर लो। बस 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 हो गया, हो गया, हो गया, अब उठ जाते बस। नहीं नहीं ठीक है, चल ठीक है। बाप मरेगी तो नहीं है पापा? दोस्तों मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ, बच्चों ये इंस्ट्रूमेंट है फोन जो है,
इससे इतना अटैचमेंट अच्छी बात नहीं है कि आप इसको अपने ऊपर ही बॉडी को ऊपर इसका बेनिफिट पड़े। अरे लाइफ के अंदर और भी बताने काम है, आप लोग फिजिकल वर्क कीजिए, वर्कआउट कीजिए, कुछ जिम कीजिए, रनिंग कीजिए, कुछ जो जो भी आपको खेल कूद अच्छा लगता है आप उसमें जाइए, घंटा दो घंटा वो खेला करो। फोन से ज्यादा अभी चिपकना अच्छी बात नहीं है, जो ये कंडीशन बन जाती है बच्चों के, सीरियस हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कर ले, सुसाइड की तरफ भाग जाते हैं फोन से। तो दोस्तों ये सब चीजें अच्छी नहीं है, इस पर जरा ध्यान दीजिए, बच्चों को समझाइए कि फोन से ज्यादा चिपक कर ना रहे। सिमरन, ओ सिमरन, उठ तो आंख तो खोल अपनी, दिखाई जरा कैसे लगा, दिखाइए सच, दिखा अपना, ऐसे तो कर हाथ, उठ जा चल खाना बना ले, बहुत हो गई तेरी बदा, चल खड़ी ना। तबीयत खराब है ना टूटा था मोबाइल, ना तबीयत खराब है ना टूटा था मोबाइल, कैसा लगा आप सबको अपुन का स्टाइल? पापा देखो सब बताओ, देखो स्टाइल दिखा रही है, ये रहा मेरा मोबाइल, ये रहा मेरा मोबाइल, लत तोड़ दो इसे, सच में तोड़ दो इसे, ये तो हालत आपने मेरी देखी है ना, सच में हो जाती अगर मेरा सच में मोबाइल टूट जाता तो। तो गाइस इसका ये मोबाइल असलियत में नहीं टूटा था, वो दूसरा टूटा था, बेकार वाला था, ये हमने प्रैंक करा था। ये आपको मेरा प्रैंक कैसा लगा? ये हमने पब्लिक प्रैंक करा है, ये हमने सबने मिलकर एक प्लान किया था कि इस तरीके से हम प्रैंक करेंगे, और ये किस लिए किया था पापा बताएंगे, पापा बोल रहे थे कि बच्चे ज्यादा सीरियस है फोन को लेकर। दोस्तों इसीलिए करा था कि बच्चे आज फोन से बहुत ज्यादा जुड़ चुके हैं, और फोन के उनके पास ना होने से या उनके हटने से या फोन की मौजूदगी ना होने से उनके अंदर पर उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये बच्चा तो खैर थोड़ा सा एक्टिंग कर रहा था, बहुत से बच्चे इससे भी ज्यादा हद पार कर जाते हैं, सुसाइड वगैरह कर लेते हैं और भी हदों से पार कर जाते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ ना करें, और इसको सिर्फ अपने एक उपयोग की चीज समझें और इस्तेमाल की चीज समझें, इसके अलावा और खूब खेले कूदे मौज करें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो ये था हमारा पब्लिक प्रैंक, तो कैसा लगा आपको हमारा ये प्रैंक मुझे कमेंट में बताना। आज की वीडियो का हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए, बाय बाय। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, फैला दो पूरे यूट्यूब पर, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना, बाय बाय। ऐसे आपको प्रैंक मिल जाएंगे फोन टूटने वाले, मगर इतना तगड़ा प्रैंक नहीं मिलने का जिसके ग्लूकोज चढ़ गई हो प्रैंक के चक्कर में, फोन के चक्कर में, और इतना ज्यादा खर्चा भी कर दिया। मैं ये लेकर आई हूँ इंजेक्शन सब कुछ लेकर आई हूँ, वो तो मेरे पापा डॉक्टर है तो इनके पास सारा सामान घर में रहता है, मगर ये सीरीज वगैरह और ये ग्लूकोज तो बाहर से लानी पड़ती है, तो खर्चा ही बहुत होता है। तो प्रैंक को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, वीडियो को फैला दो सब जगह।